यह भी हम लोगों ने फैसला किया है। और बहनों भाइयों, हम लोगों का चरित्र रहा है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बहुत पहले हम लोग कहा करते थे जब हमारी केंद्र में सरकार बन जाएगी हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा तो धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है हम चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे। आपने देखा संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलने के साथ ही धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था चुटकी बजाकर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। जो कहा था वह करके हम लोगों ने बहनों भाइयों दिखा दिया। यह हम लोगों का चरित्र है। हम लोगों ने कहा था जिस दिन दिल्ली में हमारी सरकार बन जाएगी अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। और आपने देखा क्या हुआ है अयोध्या की धरती पर। मुझे याद है यह हम लोग आंदोलन करते थे राम मंदिर के निर्माण के लिए और कहते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर यहीं बनाएंगे। तो लोग कांग्रेस के लोग हमसे पूछते थे कि आप आएंगे मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, आपने देखा वह 22 जनवरी की तारीख आ गई। हमारे प्रधानमंत्री ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी सारे धर्माचार्यों के मार्गदर्शन। तो यह कटाक्ष करने वाले लोगों को मैं बतलाना चाहता हूं जो हम लोगों ने कहा था वह करके हम लोगों ने दिखाया है। यही हम लोगों का चरित्र है। और मुझे तो यह लगता है रामलला अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। बहनों भाइयों, अब भारत में राम राज्य आने से भी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।